मेरा बात सवाल है जी। ये है कि बच्ची 2 महीने की बच्ची है, वो अगर कपड़े में उसने पेशाब कर लिया और हमने उसको गोद में उठा लिया, वो पेशाब हमारे हाथ में तो नहीं लगा है लेकिन उसका कपड़ा गीला था, तो ऐसी सूरत में क्या करना है? जी शेख दो दो महीने की बच्ची है। जी, 2 महीने की बच्ची है शेख जी जी देखिए, शेख अल्लाह के नबी सल्लम की एक हदीस है इस बारे जी में कि युरशो मिन बौलिल गुलाम व युगसलो मिन बौलिल जारिया, कि अगर शीर खार बच्चा है उसका पेशाब लग जाए तो उस पर छींटा मारेंगे, और शीर खार मतलब दूध पीती बच्ची है, अगर जी उसका पेशाब लग जाए तो उसको धुलेंगे, जहां पर भी लगा है, जिस्म पर लगा है तो उस हिस्से को धुलेंगे, कपड़े के जिस हिस्से पर लगा है उस हिस्से को धुलेंगे, तो उसको धुलेंगे। इस हदीस की बुनियाद पर अगर किसी बच्चे के कपड़े में पेशाब लगा है और आपने उसको गोद में उठा लिया, तो जाहिर है अगर कपड़ा गीला है उसका तो गीला पानी से नहीं है, पेशाब से ही गीला है। अब वो गीलापन, वो जी तरावट आपके जिस्म पर या कपड़े पर अगर लग रहा है तो पेशाब ही वो लग रहा है, ऐसा नहीं कि कोई और चीज लगी है, या आप ये कह दो ये पेशाब तो नहीं है तरावट है, वही भाई वो जो तरावट है वही पेशाब है। तो अगर वो पेशाब आपके कपड़े पर या आपके जिस्म पर जहां पर भी जितने हिस्से पर लग जाए उतने हिस्से को आपको धोना है। जी खान भाई, उम्मीद है जवाब मिल गया होगा। शेख, अपने कपड़े में वो बेआईनी ही, वो जो आपने कहा असरात, वो लगते नहीं है, असरात नहीं लगते हैं, लेकिन कुछ भी असर नहीं होता है, कुछ भी, सिर्फ उठा लिया है और बच्चे का कपड़ा गीला था बस। कुछ नहीं लगता है, इसका मतलब अगर बच्चे का कपड़ा गीला रहेगा तो फिर कैसे नहीं लगेगा? या तो बच्चे के जिस्म का जी ऐसा हिस्सा पकड़ के उठाएं, जैसे बच्चे को दोनों हाथों से पकड़ के उठाए, उसको अपने जिस्म से टच नहीं किए तो कैसे लगेगा? लेकिन अगर उसका कपड़ा गीला है और आपने उसको गोद में अच्छे से उठा के पकड़ा, तब तो वो गीलापन लगेगा। बहरहाल बात वाजे है कि अगर वो पेशाब का कुछ हिस्सा भी आपके जिस्म पर लगता है तो उसको धुलेंगे, नहीं लगता है तो नहीं धुलेंगे।